सुनो, ये क्रोमोसोम्स आपको दिए हुए थे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये क्रोमोसोम वन है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द सेंट्रोमियर, है ना, जो उसके दोनों क्रोमेटिड्स को ज्वाइन कर रहा है, दोनों ऊपर नीचे की आर्म्स को ज्वाइन कर रहा है। अब आपको कंफ्यूजन देने के लिए उसने बी सी डी को डी सी बी यहां नहीं लिखा, उसे ऑन द अदर साइड लिखा है, लेकिन आर्म तो वही है, आर्म तो वही है ना, आपने ये नहीं देखा कि लेफ्ट और राइट में लिखा, वो तो हमारी मर्जी है, हम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ क्रोमोसोम के ऊपर थोड़ी लिखा होता है, कि नहीं है, कि नहीं। अब यहाँ आप देखो कि यहीं से सिर्फ यहाँ पे इन्वर्ट हुआ, सेम आर्म मेरा, तो दिस इज व्हाट इन्वर्जन। अगर ये बी सी डी उठ के इधर चला जाता और एफ जी एच यहाँ आ जाता, फिर क्या होगा? अगर मैं कहूँ ये क्रोमोसोम है ए और ई यहीं पे है, और बीच में ये एफ जी एच यहाँ आ गया और बी सी डी यहाँ पहुंच गया, आप बताओ ये ट्रांसलोकेशन क्यों ट्रांसलोकेशन है? क्योंकि एक आर्म में से निकल गए, अब वो दूसरी आर्म में पहुंच गया, है ना, डिलीशन। डिलीशन क्या है? अगर कोई भी सीक्वेंस, अब ये देखो, अब इसी का हम डिलीशन बना दें, हमने सी को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बचेगा हमारे पास? ये क्रोमोसोम है ए बी डी ई, फिर यहाँ पे एफ जी एच, ये रिजल्टेंट है, तो क्या है ये सी मिस हो गया, डिलीट हो गया, है ना। और अगर मैं इसको ही आगे फिर से कर दू, मैंने क्रोमोसोम्स बनाए ऊपर नीचे और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ए बी बी सी डी ई, नीचे एफ जी एच, फिर क्या है? डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बीज को डुप्लीकेट कर दिया, समझ आया? ये पेरेंटल क्रोमोसोम है और ये रिजल्टेंट क्रोमोसोम है, गेटिंग है कि नहीं? तो आसान चीजें को आसान रखा करो, ठीक है, एक मिनट, हाँ कराने लगी, सारे करा देती हूँ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अपने पेपर्स खोल लो बेटा, आप लोग भी सारे अगर हैं तो, नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास हैं तो प्लीज ओपन दैट पेपर। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस ऑफ द फोर मेंबर्स इज शोन, आंसर मेरे ख्याल से इसमें सी था, सही था। अच्छा चलो, लेसन लेसन क्या कंसेप्ट लगाया वरुण, पेटर्नल अंकल होगा उसके फादर के साथ, और हाँ मेटर्नल अंकल की ऑप्शन थी एस में, सी में नहीं है उसमें पेटर्नल अंकल, पेटर्नल अंकल है, मेरी बात सुनो, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली सी ही था कि नहीं, वैसे देख लूंगा। हाँ जी, ये आपको दिया हुआ है फिगर, अच्छा बस बस बस, ये एक सॉर्ट ऑफ बना दिया उन्होंने, जो वेल्स वाला हमने किया था ना कंसेप्ट, ये वो है, ठीक है, दिस इज पी क्यू आर एस टी, ठीक है, तो ये उन्होंने बना दिया, वेल्स वाला सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट बनाया है, एग्रोस जेल है, बाकी इसमें उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दी, और ये कुछ क्रोमोसोम्स बैंड्स आ गए हमारे पास पी के, ठीक है, ये सॉरी पी के नहीं, पहले हैं ये पी से अलग है, ठीक है, ये पी से अलग नहीं होता ही, डिजाइन नहीं है, ये अलग है, जो हमारे पास सैंपल आया है उसके हैं, ठीक है, ये उसके क्रोमोसोमल बैंड्स है, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना था, स्टडी द बैंड पैटर्न एंड असाइन ईच फैमिली मेंबर टू पी क्यू आर एस, फैमिली मेंबर्स बताने हमें पी क्यू आर एस में। अब पी वाले का जो मैच है यहाँ पे मैचिंग दे रहा है, क्यू वाला यहाँ है, आर वाला इसके साथ है, देन पी वाला सेकेंड बैंड भी मैच कर रहा है, क्यू वाले का भी ये वाला मैच हो गया, देन आर वाले का दिस इज द मैच, और एस वाले का द सेम, एस वाला और एक लास्ट वाला, हाँ जी। अब ये मैचेस हैं, ठीक है, ये सारे मैच हैं। अब मुझे बताओ इसमें आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि पी फादर है? कली कली ऑप्शन चेक होनी थी पहली चीज यहाँ पे। अब पी फादर दो में है और पी चाइल्ड दो में है, पी वाला फादर है कि चाइल्ड है? फादर क्यों है? हाँ
वो तो बाद की बात है, पहले मुझे पी फादर है कि चाइल्ड है ये बताओ। फादर है तो क्यू वाला हमारा चाइल्ड बन रहा है फिर, है ना। अगर पी फादर है तो क्यू मदर भी हो सकती है, चाइल्ड भी हो सकती है, दो ऑप्शंस हैं। देखो हमने इसको कल्ले कल्ले को मैच करना था, अगर मैं पी को फादर लेके चलूंगी तो क्यू का मैचेस आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यू टोटली डिफरेंट राइट, तो क्यू वाले के भी मैचेस मिल रहे हैं, है ना। मतलब कि ये मदर वाला तो कैंसिल हो गया, क्यू मदर तो नहीं है, यानी क्यू क्या है उसका चाइल्ड हो सकता है। ओके डन, क्योंकि ये मैचेस आ गए फादर के और चाइल्ड के। आगे दिखाओ, है ना। अब उसके बाद आर, अगर फादर पी है और क्यू चाइल्ड है, वैसे ऑप्शन ही है कि हमारे पास बची, और आर मदर है, आर का क्यू के साथ मिल रहा है क्योंकि क्यू को मैंने चाइल्ड लगाया है। अब क्यू और आर मिलने चाहिए, पी और आर नहीं मिलने चाहिए, है ना। तो मेरी सी ऑप्शन जाती रहेगी ना। अब आर वाले का देखो क्यू के साथ मैच है, वो सही है, लेकिन उसका आर के साथ, सॉरी पी के साथ नहीं है, वो भी सही है। तो ये मदर ले सकते हैं हम आर को, तो आर आ गई हमारी मदर। अब उसके बाद हमारा एस वाला था सी में, पेटर्नल अंकल। अब पेटर्नल अंकल मतलब वो पेरेंट साइड से फादर और पेटर्नल अंकल सेम होने चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट राइट। अब ये मैच दे रहा है इसके साथ, यहाँ पे मैच नहीं था, नहीं हुआ, लेकिन ये मैच दे रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गिविंग आंसर। सो ये हमारी ऑप्शन सही है, दिस इज पेटर्नल अंकल। समझ आया? मतलब क्या है, ये कुछ एक आंसर्स ऐसे हैं जो आपको खुद नहीं आते, लेकिन आपको एनालिसिस से निकालने, ठीक है। और ये एनालिसिस से निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे इस किताब में से मिलने वाले, ठीक है। यू प्लीज गेट इट और यू कैन हैव माइन टू सर्कुलेट। आप अपने में सर्कुलेशन कर सकते हो, एक एक दिन रख के आगे भेज दो, ठीक है, तो जैसे भी, पर आप इसको प्लीज सॉल्व करिए सारी की सारी। आई वुड रिकमेंड पूरी किताब एक बार सॉल्व करो, ठीक है। कुछ एक सैम्पल पेपर्स इसमें सॉल्व हैं और कुछ अनसॉल्व्ड है, लेकिन अनसॉल्व्ड के आंसर्स पीछे गिवन है, ठीक है, बुक एंड में, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाए, ठीक है। 40th वाज ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन पेयर्स। पहले बताओ ह्यूमन स्किन के अंदर कितने सेवरल जीन पेयर, कितने होते हैं उसमें? 6 होते हैं। 6 वाले जो हमारे पास ह्यूमन जीन पेयर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं विद द अल्फाबेट्स एबीसी, है ना। सो हमारे पास जो एबीसी आता है फॉर ह्यूमन स्किन कलर, इट इज एबीसी एंड एबीसी। ये आप लोगों ने एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला था, ए बी बी सी सी वाला, हाँ है? इसमें नहीं है, वो अलग था, इसके ऊपर है, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डाला था, ए ए बी बी सी सी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक, ये इसके साथ ही मैचिंग मैचिंग है, सुन लो। How many different types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype A? कितने बनेंगे इसके genetically different gametes? कितने बनेंगे? कैसे? Why 6? Two बनेंगे। दो कैसे बनेंगे? देखो ये दोनों same है, ये दोनों same है, सिर्फ difference तो यहाँ ही लाई करता है ना, नहीं समझ आया? ये सिंपल सी बात है ना, देखो ए ए सी सी ये तो सेम ही रहना पेयर है ना, और बी बी में हमारे पास क्या है, एक बार ही दोनों कैपिटल बीज आ गई, एक बार ही दोनों स्मॉल बीज आ गई, कैपिटल बी स्मॉल बी तो ऑलरेडी इधर है, तो जेनेटिकली डिफरेंट जो आएंगे हमारे पास वो इस तरह से आएंगे। गेमीट बना रहे हो आप गेमीट के लिए, सॉरी गेमीट के लिए डबल पेयर्स में नहीं बनाओगे, गेमीट के लिए सिंगल बनाओगे, ए बी कैपिटल सी ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तो दो हुए चार का हुए। तो ये अब यहाँ पे आपने क्या कंक्लूड किया, अगर हेटरोजाइगस कंडीशन एक थी तो हमारे पास गेमीट्स कितने बन रहे पॉसिबली? दो। पर यहाँ पे हेटरोजाइगस तो हमारे पास तीनों की हैं, है ना, तो 6/6 यानी 36 पॉसिबल जीनोटाइप्स तैयार होंगी, 6/6 का ये बनेगा। जैसे ये आपने अगर इसका सीक्वेंस बनाना हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस इस तरह से बनाते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ऐसे लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी को हमने अल्फाबेट को किया कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, अब कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, सारे जीनोटाइप्स अलग हो गए, सारे जीनोटाइप्स अलग अलग हो गए। ये इस तरह से आपका ये एक साइड ऑफ गेमीट्स बना,
ऐसे ही दूसरा साइड ऑफ गैमीट्स बनना था, है ना? ठीक है, तो अब दो पेरेंट्स के लिए लगाओगे, ये तो छह एक तरफ से आए, दूसरे पेरेंट के छह इधर आएंगे, छह बाय छह यानी कि 6 by 6 36, 36 का बॉक्स ये बना, ठीक है? अब ये है? अच्छा यहाँ पे क्या है, अब ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन पेयर्स, ये सेवरल जीन पेयर्स आ गई। लेट अस अज्यूम हियर दैट देयर आर जस्ट 3 जीन पेयर्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दैट फॉर ईच पेयर। अब ये ओरिजिनल में ऐसे 6 हैं, पर उसने कहा है कि लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे सिर्फ 3 हैं जीन पेयर्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दैट फॉर ईच जीन पेयर देयर आर 2 एलील्स। वही वाला कंसेप्ट, 3 जीन्स हैं, 2 एलील्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है? चलो मैं ये कंटिन्यू करवाऊंगी कल, ठीक है? 36 का आंसर मुझे आंसर ऐसे याद है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल कंटिन्यू कराऊंगी। डू ज्वाइन द क्लास इमीडिएटली।